हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ का एक्सरसाइज 10 आपके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10। इसमें आपको करना है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो नंबर देखते हैं आपको कैसे करेंगे, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो। ओके, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर यू गेट 2। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 2, 9 में से सब्ट्रैक्ट। ओके, 7 तो 9 कितने हैं आपके पास? सपोज ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यू गेट 2 आ गया आपके पास। यहां पर हमने नोट कर दिए। ऐसे 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 2 3। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर वैसे नहीं करना है आपको तो ऐसे कर सकते हो। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, मान के चलो ये आपके 8 है, 8। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखो 8 है, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 5 और 1 6। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 6 ऐसे 6 5 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर गेट 1। एंड नेक्स्ट इज 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर यू गेट 3। ओके, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इस स्टेप से आपको बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई, एफ सारे पार्ट सेम हैं और हम करवा दे रहे हैं इनको पार्ट। देखो 3 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 एंड यू गेट 1, जब हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, अगेन यू गेट 1। नेक्स्ट 4 में से वी सब्ट्रैक्ट 1, यू गेट 3। ओके, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 एंड यू गेट 1। इसी टाइप से आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे नंबर वाइज। 3 में से वी सब्ट्रैक्ट 0 एंड यू गेट 3। 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कराई नहीं, क्या हो जाएगा आपके पास, 3 रह जाएगा। तो अब नेक्स्ट है आपके पास 2, वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6 एंड यू गेट आंसर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप्स आपका आंसर आ गया, बी पार्ट हो गया। इसी टाइप से आपका सी पार्ट है, सी पार्ट भी करवा देते हैं। सी पार्ट आप उससे कर लेना। देखो 7 में से 5, 4 में से 2, 3 में से 0, 6 में से 3, 5 में से 4, 9 में से 8, ईजी है। ओके, इसको आप करना उससे। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम करवा देते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 में से 4 वी कैन सब्ट्रैक्ट 4, सो बोरो 1 बोरो करेंगे, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इट विल 12 ना 1, अगर यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ऐड 1 इसके साथ लगा दिया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 के साथ 1 ऐड करोगे 12। ओके, 12 में से ना भी सब्ट्रैक्ट 4, अब ये 2 नहीं है, अब ये कितना है 12, तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर यू गेट 8। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर इज 0 नाउ बिकॉज़ वी हैव गिवन 1 फ्रॉम दिस साइड। हम ये वाला 1 इस साइड दे चुके हैं, इसको इनको 2 को दे चुके हैं, इधर 12 का था। अब क्या करना है, यहां 1 था, क्या बचा हमारे पास 0। अब 0 में से वी कैन सब्ट्रैक्ट 6, सब्ट्रैक्ट 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसमें से 1 इस साइड लेंगे, कितना हो जाएगा इधर 10। ओके, नाउ 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 एंड आंसर यू गेट 4। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे कितना रह गया, यहां से हमने 1 इधर दे चुके हैं 10 था वैसे, तो यहां पर हो गया कितना 9। ओके, इसी टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट 2, यहां पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से इसमें से इधर दिया था तो इधर कितना बचा 2, 2 में से वी कैन सब्ट्रैक्ट 5। ओके, अब ये 3 नहीं है, अब कितना है 2 है। इसी टाइप से यहां पे कितना है 1 नहीं है, अब क्या है 0। अब 12 में से 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 इधर से इधर बोरो करो, कितना हो गया 12, 12 में से वी सब्ट्रैक्ट 5 एंड यू गेट आंसर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप करते चले जाओगे। यहां पर कितना रह गया 7, बिकॉज वी हैव गिवन ऑन दिस साइड। ओके, 7 7 आ गया, 7 में से वी कैन सब्ट्रैक्ट 9, 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां से 1 बोरो करो, यहां हो गया 17, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड यू गेट आंसर 8। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपके पास है 5, 5 में से वी हैव गिवन दिस साइड
इसको दे चुके हैं 7 को 17 का था, अब यहां कितना 4 में से जब हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे यू गेट आंसर 3, इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो आपको 1 2 3 पार्ट्स आपको करवा दिए और आपके पास 1 2 3 3 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व करने के लिए रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक और पार्ट करवा देते हैं, फिर आप 2 पार्ट्स सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, कैसे 6 इज मोर देन 4, सो वी कैन सबट्रैक्ट 6 नाउ और 1 फ्रॉम दिस साइड, यहां से 1 और होगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 14 में से 6 सबट्रैक्ट करो क्या बचेगा, आपके पास रह जाएगा 8। वैसे आप कोई फिंगर पे काउंट करता है, कोई कैसे भी काउंट करता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब यहां पे कितना बचा हमारे पास, 1 इधर से बोरो लेके 10 का 10 होना था बट रह कितना गया 9, क्योंकि 1 वी हैव गिवन दिस साइड, हम इसको दे चुके हैं, तो यहां पे 9 रह गया, 9 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे क्या आंसर आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे कितना रह गया 1, 1 साइड रह गया। अब 1 में से वी कांट सबट्रैक्ट 3, 3 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो 1 इट विल नॉट 11, 11 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे एंड यू गेट आंसर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट यहां पे कितना रह गया 0, क्योंकि हम 1 इधर दे चुके हैं 0 रह गया इधर, तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से जब 8 सबट्रैक्ट करेंगे एंड आंसर यू गेट 2। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेप से हम करते चले जाएंगे, यहां रह गया 4, इधर से 1 ले लिया 14, 14 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 8। ओके, यहां पर रहेगा 2 और 2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे क्या रहेगा 1। ओके, तो आपको एज अ होमवर्क सी एंड एफ पार्ट सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी एंड एफ पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।